आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, नजदीक के भूतकाल में हमारी पृथ्वी खतरे में है। इसके मुख्य रूप से तीन कारण हमें जानने को या पढ़ने को मिलते हैं। एक है सितंबर 2017 का एलियन अटैक, दूसरा है निबिरु प्लेनेट और तीसरा किसी उल्का का पृथ्वी के साथ टकरा जाना। इन तीनों बातों के कंक्लूजन को अगर मैं शॉर्ट में कहूँ तो ये सारी बातें गलत है और बहुत बड़ी अफवाह है। लेकिन आपके मन में ये जरूर प्रश्न उठा होगा कि ऐसी अफवाह आखिर कोई क्यों फैलाएगा। आइए हम एक एक करके उस क्यों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले है सितंबर 2017 में होने वाला एलियन अटैक। सितंबर 2017 के एलियन अटैक के रूमर इंटरनेट पर वायरल हुए एक वीडियो से फैली, जिसमें नॉनसडेमस की भविष्यवाणी को बताते हुए एलियन अटैक के बारे में बताया गया है और बाद में उसको नासा के साथ और कुछ वैज्ञानिकों के प्रेडिक्शन के साथ एक तरीके से जोड़ दिया गया। जबकि वास्तव में नासा या इसरो या इंटरनेशनल कोई भी वैज्ञानिक ऑफिशियली या अनऑफिशियली भी इस बात की पुष्टि नहीं करते। इसके बारे में जब ज्यादा जांच की तो मालूम हुआ कि ये सब पॉपुलर होने के लिए और सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए और उनमें से कुछ पैसे कमाने के लिए किया गया एक स्टंट है। दोस्तों, मैं उस वीडियो के सोर्स के बारे में ज्यादा परिचय नहीं देना चाहता क्योंकि मेरा उद्देश्य यहाँ पर आपको सिर्फ सच बताना है। अगर उसके बारे में ज्यादा जानना हो तो आप खुद इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं, आपको सही जानकारी मिल जाएगी। दूसरी अफवाह है निबिरु प्लेनेट के बारे में। इस निबिरु प्लेनेट को प्लेनेट एक्स भी कहते हैं। इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये भयानक और खतरनाक प्लेनेट है। कई जगहों पर पढ़ने को मिलता है कि ये पृथ्वी से टकरा जाएगा और कई जगह पर जानकारी मिलती है कि हम पर अटैक करने वाले एलियन इसी ग्रह से आएंगे। इसके बारे में भी मैं बता दूं कि आज तक दुनिया की किसी भी स्पेस एजेंसी ने इसके बारे में कभी भी पुष्टि नहीं की है। दोस्तों, निबिरु के बारे में जब भी आप इंटरनेट पर पढ़ोगे तो पाओगे कि वहाँ पर कोई न कोई चीज बेची जा रही है। एग्जांपल के तौर पर अगर आप किसी भी आर्टिकल में निबिरु के बारे में पढ़ोगे तो आपको जानने को मिलेगा कि आधी अधूरी बात वहाँ पर लिखी है और बाकी अगर विस्तार से आपको इसके बारे में जानना है तो आपको वहाँ से कोई बुक या कोई डीवीडी खरीदनी होगी। मतलब कि निबिरु का नाम लेकर एक गलत भय लोगों में फैलाया जा रहा है और स्वाभाविक है कि लोग उसके बारे में ज्यादा जानेंगे तो और ज्यादा विस्तार से जानकारी लेना चाहेंगे। तो दोस्तों, ये भी एक बिजनेस के लिए लोगों में भ्रम फैलाकर पैसे कमाने के लिए किया जाने वाला एक स्टंट है। और कई लोग ऐसे भी है कि इन दोनों विषयों के बारे में विस्तार से नहीं जानते लेकिन कहीं पर पढ़ने में आया है या उनको ये जानकारी मिली है, इसलिए वो लोग आर्टिकल बना देते हैं और अनायास ही गलती से अफवाह के स्रोत बन जाते हैं। तीसरी और लगभग 50 सालों से फैलाई जाने वाली अफवाह है पृथ्वी से कोई एस्टेरॉयड या कोई बड़ा अवकाशीय पिंड टकराने वाला है। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि पृथ्वी पर हर रोज सैकड़ों छोटे बड़े अवकाशीय पिंड उसके गुरुत्वीय घेरे में आकर भस्म हो जाते हैं, लेकिन नजदीकी भविष्य में कोई बड़ी उल्का या अवकाशीय पिंड पृथ्वी पर टकराए इसकी संभावना शून्य है। क्योंकि आजकल हमारे विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है कि कुछ प्रकाश वर्ष दूर से आने वाली कोई चीज अगर पृथ्वी से टकराने वाली है तो हमें उसके सटीक समय की जानकारी मिल जाएगी और अगर ऐसा है तो सालों पहले लोगों को आगाह कर दिया जाएगा। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि सरकार या कोई स्पेस एजेंसी आपको आगाह नहीं करेगी तो ये एक गलत धारणा है, क्योंकि ये एक इन्फॉर्मेशन का युग है और हम लोग किसी एक स्पेस एजेंसी पर डिपेंडेंट नहीं है। आज विश्व के तमाम विकसित देशों की अपनी स्पेस एजेंसीज है और कई सारे स्पष्ट और नैतिक वैज्ञानिक भी। वो लोग और उनकी सरकारें कभी ये नहीं चाहेगी कि आप लोग भ्रम में रहे। और अगर मान लीजिए कि कोई उल्का पिंड पृथ्वी से टकराने भी वाला हो तो हमारे पास आज इतनी मिसाइल्स और अत्याधुनिक वेपन मौजूद है कि कुछ हद तक तो हम उसे रोक सकते हैं। दोस्तों, मैं यहाँ पर ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि पृथ्वी हमेशा के लिए सेफ है या पृथ्वी पर कभी कोई आपदा नहीं आएगी। हाँ, ऐसा होगा, बिल्कुल होगा, और एक दिन ऐसा भी आएगा कि पृथ्वी जीने लायक ही नहीं रहेगी, लेकिन ये सब होने में अभी अरबों साल बाकी है और हम ये गारंटी के साथ कह सकते हैं कि नजदीक के भविष्य में तो पृथ्वी पर कोई आपदा नहीं आने वाली। अगर पृथ्वी पर कोई मानव सर्जित होनारत ना हो तो आप इतना समझ लीजिए कि हमारी आने वाली कई पीढ़ियां बिल्कुल सुरक्षित है। हम ये भी नहीं कह रहे कि एलियन नहीं है। ब्रह्मांड इतना विकसित है कि उसकी गहराइयों में कहीं ना कहीं तो किसी न किसी रूप में अन्य जीव मौजूद होंगे, लेकिन जीवन की मर्यादाओं के चलते वे पृथ्वी पर पहुंच जाए इस बात में कोई माल नहीं है।
और अगर मान लो कि कोई सभ्यता इतनी विकसित है कि उसने भौतिकीय के नियमों पर भी नियंत्रण पा लिया है और अपना आयुष्य भी कई हद तक बढ़ा लिया है, तो उस सभ्यता से हमें डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि उनके लिए हम जमीन पर चलने वाली छोटी चींटियों से ज्यादा कुछ भी नहीं है। तो इन कारणों से हम पक्के तौर पर कह सकते हैं कि हमारी दुनिया को कोई खतरा नहीं है। सितंबर 2017 की भविष्यवाणी उतनी ही गलत है जितनी दिसंबर 2012 की थी। तो आशा करते हैं कि आप लोग निश्चित रहें और इन सब अफवाहों को ना माने, क्योंकि देखने में आया है कि कई बार गलत अफवाहों के चलते कई लोगों को ओवर एंजाइटी हो गई है और कई लोगों का ब्लड प्रेशर भी बढ़ गया है। हम ऐसा बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि आप किसी गलत अफवाहों के चक्कर में